So this is the wide angle landscape view of Karsog. बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से, दूर दूर तक फैले माउंटेन और बीच में देखिए प्लेन ग्राउंड जो है, इसमें फसल लगाई हुई है किसानों ने, ग्रीनरी है और शेड्स बहुत अच्छी आ रही हैं। वाकई के अंदर पहली साइट जो है इसकी बहुत सुंदर है। कारसोग के लिए जो रास्ता है ये भी बिल्कुल आइसोलेटेड सा है, बहुत कम टूरिस्ट हैं, बहुत कम क्या ऑलमोस्ट ज़ीरो ही लगा के चलिए। मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी के अलावा अदर कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी जो बाहर से आई हो, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड सी वैली है ये कारसोग। अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड को जो सड़क जा रही है, यानी कि जब आप उधर से आएंगे तो आप यू बेंड ले लीजिएगा, ये आपको लेके जाएगी कुन्नु धार और ममलेश्वर महादेव मंदिर। ये है करसोग का बस स्टैंड और यहीं कहीं बताया बैंक जिसके साथ से हमें आगे जाना है। तो ये रोड जाता है जी कुन्नु धार और रोड का इंक्लाइन आप देख रहे होंगे काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है और ये जगह फेमस है अपने व्यू को लेके। यहाँ से बताते हैं कि बहुत अच्छा व्यू आता है माउंटेन रीजन का, पीर पंजाल रीजन दिखता है और करसोग के आसपास की वैली इट्सेल्फ करसोग, तो व्यू है यहाँ से। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने कभी किसी चैनल के ऊपर पे इसका वीडियो नहीं देखा है, तो चल के देखते हैं कि कैसा व्यू आता है वहाँ से और कैसा एक्सपीरियंस रहता है कुन्नु धार का। हम कुछ ही मीटर के अंदर काफ़ी ऊँचाई पर आ गए हैं। करसोग वैली के अंदर कम से कम लोकल्स तो दिखाई दे रहे थे, यहाँ तो वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक हम लगभग 2-3 किलोमीटर आगे हैं करसोग बाज़ार से, बट हमें एक भी व्हीकल या एक भी कोई यहाँ पे लोकल दिखाई नहीं दिया है। करसोग से हम 4 किलोमीटर के आसपास आए हैं और नज़ारे अभी से बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगे हैं। यहाँ से जो आसपास की वैली का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट दैट। मुझे ऐसा लगता है इस व्यू को देखने के बाद के ऊपर जाके नज़ारा और बेहतर होने वाला है। चलिए चलते हैं। ओ ओ ओ, अब तो इंक्लाइन बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो गया है, साथ में एयरपिन बैंड भी है, देखिए कितना ज़बरदस्त वाला इंक्लाइन है और बिल्कुल यू टर्न है जिसको एयरपिन बैंड बोलते हैं आप। लगातार इंक्लाइन है और शुरुआत जब हुई थी तब आल दो इंक्लाइन था, बट अब तो एकदम से स्टीप हो गया है सारा। आई थिंक जहां हम जाना चाह रहे थे वो व्यू पॉइंट आने वाला है। अभी लोकल से भी पूछा था मैंने पीछे, वो कह रहे थे पास में ही है, तो चलिए यहां पे सर्च करते हैं कोई प्लेन रोड आया है। आई थिंक गांव है, पोस्ट ऑफिस लिखा नहीं हुआ इन्होंने, नहीं ये तो कुन्नु, यस 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 कुन्नु, यही जगह है आई थिंक सो। तो यहाँ पे बताया कोई स्कूल है, स्कूल के साथ से जाएगा रास्ता। आप एक बार सामने इंक्लाइन देखिए, ओह इट इज़ नियरली 30 डिग्री, लिटरली कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं है। छोटा सा प्यारा सा गांव कुन्नु, कितना चटकीला रंग है मकान का। कोई झील बता रहे हैं, झील से राइट लेना है।
यहाँ के पक्के रोड ऐसे स्टीप इंक्लाइन के हैं, कच्चे रोड पे तो क्या मिलेगा। ये तो झील नहीं है। ओ हो 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 ओ ओ, ये तो टेस्ट हो गया गुरखा का। चलिए जी, यहाँ से आपको लेना है राइट। चल मेरी गुरखा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओके जी। ओ वाव, ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि इसको मेरे हिसाब से कैमरे के अंदर दिखाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अभी ड्रोन शॉट मैंने लेने की कोशिश की, एक्चुअली हवा की वजह से ड्रोन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था और वार्निंग आने लगी थी, तो फिर मैं ज़्यादा ऊंचा लेके नहीं जा पाया। बट मैं अभी कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आसपास की जो ब्यूटी है। ये जगह वाकई के अंदर विज़िट करने लायक है। अगर आप इधर आ रहे हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंडेड है ये जगह। एक मंदिर दिखाई दे रहा है, पीपल का जो पेड़ है नीचे बताया था हमें, इसके नीचे एक मंदिर है और इसके साथ में ही है तालाब। इसके साथ ही आपको काफ़ी बड़ा मेडो मिल जाएगा ऊपर। ये फ्लैट एक्चुअली सरफेस है माउंटेन की टॉप पे। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं, खेल सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। अच्छी जगह है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कुन्नू धार। थोड़ा सा ना नाम प्रोनंशिएट करने में दिक्कत आती है नई नई जगहों की, और वैसे भी हम इतना ट्रैवल करते हैं एक से दूसरा नाम कन्फ्यूजिंग ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया इस वीडियो को, और बने रहिए, कंटेंट तो अभी और आने बाकी हैं इसी वैली से, कारसोग वैली से।